वेल हेलो एंड वेलकम लेडीज जेंटलमैन, मैं हूं मानसुक एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंजीनियर स्ट्रीट। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो को टॉपिक होने वाला है ये स्टेयरकेस के डिजाइन का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टेयरकेस। आज हम इसका डिजाइन के बारे में बताने वाले हैं कि इसका हम लोग राइजर की हाइट और ट्रेड और कितना मिनिमम स्पेस में हम लोग स्टेयर्स को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल हमारी स्टेयरकेस है, आप इसको देख सकते हैं। ये स्टेयरकेस है, इस बीम से इसको ये स्टेयरकेस हमारी बंधी हुई है और ये आप अकॉर्डिंग टू वास्तु स्टेयरकेस हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमनी चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस वीडियो में आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताते हैं स्टेयर की, इसकी राइजर, ट्रेड, हाइट और रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में हम क्या रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेयरकेस है ये हमारी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यानी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आइए सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसके हम लोग राइजर, ट्रेड और लेंथ कितनी रखी है और कितनी हाइट पे हम लोगों ने इसको चढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका राइजर बताता हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन कीजिए तो राइजर आप देख सकते हैं इसमें 6 इंच से ज्यादा राइजर आपको नहीं रखना चाहिए। इसका एक रीजन ये है कि अगर आप 6 इंच का राइजर रखते हो देन इसके ऊपर आप 1 इंच का अपना स्टोन या ग्रेनाइट कुछ भी आप लगाओगे तो 1 इंच जगह वो बढ़ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जिसमें हम लोग पैर रखते हैं इसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं। कमर्शियल में ट्रेड हमेशा हम लोग 30 सेंटीमीटर रखते हैं यानी 1 फिट का, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 फिट का। और ये अगर रेसिडेंशियल रखना होगा तो हम इसे रखेंगे 10 इंच या फिर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रेंड्स कमर्शियल में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा चलना उतरना होता है तो हम लोग के पैर इजली, देखिए मैं अभी भी ये 10 नंबर का जूता पहनता हूँ तो अभी भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है। ये आप देख सकते हैं कि अगर पैर रखिए तो हम लोग कहीं गिरे नहीं। फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देन इसके बाद फिर अब जो बारी आती है वो उसकी लेंथ की, कि हम लोग कितनी लेंथ रखेंगे अगर ये कमर्शियल बिल्डिंग है तो। ठीक है, आपको लेंथ दिखा देता हूँ उसकी। सॉरी, फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 5 फिट आ रही है, ये आप देख रहे होंगे अभी पूरा सही से नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे 5 फिट लेंथ है जो कि कमर्शियल बिल्डिंग में स्टेयर्स की होनी चाहिए। ये अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हो तो इसको हम लोग 3.5 फिट यानी 1 मीटर आराम से मिनिमम रखना चाहिए और थोड़ी स्पेस ज़्यादा तो 3.5 मीटर भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ऊपर चलते हैं इसके यहाँ पे स्टेयर्स में, तो अब हम देख सकते हैं हमारी ये लैंडिंग। लैंडिंग हमेशा ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये लैंडिंग का है, कि एक आप स्टेयर से चढ़ के आए फिर यहाँ पे आप अगर हैवी सामान है कुछ तो आप अगर इंसान थकता भी तो लैंडिंग इसलिए दी जाती है, एक तो सपोर्ट के लिए, देन आप खुला सामान ला रहे हो तो यहाँ पे रोक के देन फिर आप ऊपर अपना सामान ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लैंडिंग भी जितनी आपकी स्टेयर्स की लेंथ होगी उसकी सेम उतनी ही लेंथ इस लैंडिंग की भी होगी। फ्रेंड, उसके ये बीच में आप देख रहे हैं 2 स्टेयर्स के बीच में स्पेस दिया हुआ है, अप्रॉक्स 2.5 फिट का दिया हुआ है। वैसे अगर आप इसको रेसिडेंशियल में बनाएं तो इसको आप मिनिमम 6 इंच तो रखें ही रखें, बिकॉज इसका एक प्रॉफिट ये है, देखिए आप ऊपर तक आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं स्टेयरकेस पूरा ऊपर तक गया हुआ है हमारा। इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक तो आपको वेंटिलेशन कमर्शियल बिल्डिंग्स में प्रॉपर ही, देखिए आप ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे ऊपर तक जा रहा है पूरा वेंटिलेशन ईजिली आपको इनसे होता है, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग से वेंटिलेशन इशू होता है। एक हम लोग विंडोज़ तो यहाँ देते ही हैं, साथ साथ एक वेंटिलेशन, एक व्यूइंग एंगल जो एक आर्किटेक्चर व्यू होता है बहुत अच्छा आ जाता है। जो वेंटिलेशन वाला पोर्शन था या उससे हम लोग को एक जो आर्किटेक्चर व्यू होता है वो हम लोगों ने पूरा एक बार देख लिया है आप सभी ने फ्रेंड्स। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम लोग इन स्लैब को जब कास्ट करते थे तो इन पे हम लोग स्लैब डाला करते थे, अब फ्रेंड्स वो स्लैब नहीं डालते हैं क्योंकि वो आर्किटेक्चर भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग स्लैब्स की जगह अब सीधा डबल स्टील से हम लोग स्टेयर को इस तरीके से सिर्फ राइजर ट्रेड शो होगा। देखेंगे अगर आप पूरा ऊपर तक तो पूरा स्टेयर के, ये 3 फ्लोर की स्टोरी है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप ये देख सकते हैं पूरा आपका ये इसी तरह से ही आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फ्रेंड्स हम ग्राउंड फ्लोर से और जो पहली लैंडिंग है इसमें हम लोगों ने कितनी हाइट में ये 9 से 10 स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं चढ़ाया हुआ। सो फ्रेंड्स, हम नीचे चल के आपको ग्राउंड फ्लोर से और इस स्टेयर केस का टॉप
या बॉटम पे उतारेंगे कितनी हाइट पे हमने स्टेयर को उसको चढ़ाई होगी। सबसे प्रॉब्लम इशू ये आता है कि स्टेयर को हम चढ़ाते कितनी हाइट पे हैं। तो फ्रेंड्स हम नहीं चलते हैं, आपको बताते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि ग्राउंड फ्लोर से हम लोग और स्टेयर हम लोग कितनी हाइट पे इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। अगर आप ये फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो ये 5 फीट और 9 इंच, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 9 इंच। सो हम लोग जो लैंडिंग का टॉप है वो ग्राउंड फ्लोर से हम लोगों ने स्टेयर्स चढ़ाई हैं वो 5 फीट 9 इंच पे ये स्टेयर्स हम लोगों ने चढ़ाया हुआ है। और ये स्टेयर्स के नीचे वाला पोर्शन है, आप उसको कुछ भी यूज के ले आ सकते हैं अपने स्टोर के रूप में। तो फ्रेंड्स ये स्टेयर्स का पूरा एक व्यू हो गया, पूरा एक स्टेयरकेस है। इसमें आई थिंक सो सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो गई होंगी। अगर कुछ भी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर इसके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आती है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप कुछ भी प्रॉब्लम हो आप, वैसे मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, इसको उन्होंने अच्छे आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो अगर स्टेयरकेस का वीडियो बनाएंगे तो आपको एक रेसिडेंशियल का भी शो कर दूंगा, जिसमें राइजर ट्रेड क्या हाइट ली है, मान लीजिए किस हाइट पे उन्होंने चढ़ाया हुआ है। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका घर की फ्लोर जो है हाइट है वो 11 फीट है और आपको ये पता करना है कि आपको अपना राइजर जो हाइट है, आप ये देख सकते हैं ये जो पोर्शन है आपको कितना रखना है। सिंपल सा इसका एग्जांपल है, आप 11 फीट को इंटू कीजिए इंचेस में, 11 × 12 अप्रॉक्स 132 इंचेस आएगा। देन उसको आप डिवाइड कीजिए 6 इंचेस या 7 इंचेस। अगर आप सिर्फ 6 इंचेस से डिवाइड करेंगे तो उसमें आएगा आपका 22 स्टेप्स, अगर आप 7 इंचेस से डिवाइड करेंगे तो 19 स्टेप्स। यानी ऐसी ऐसी स्टेयर्स करके आप 19 स्टेप्स में आपका जो स्टेयरकेस है वो चढ़ जाएगा आपका फ्लोर यानी टेरेस पे। या तो 6 इंचेस में 22 ट्रेड्स राइजर आएंगे और अगर आप 7 इंचेस रखेंगे तो उसमें आपके 19 राइजर आएंगे, जो आपके छत तक आपको टेरेस से आपकी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगी। फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा है आपको वीडियो, आई होप मैं वीडियो बनाना आपको समझ में आएगा वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मैं आगे कोशिश करूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।